लीची की कुछ रेसिपी बताऊंगी। और इसके लिए मैं लीची का अच्छे से लीची के बीज को निकाल लें। आप देख सकते हैं सभी, पहले सबसे पहले आपको अच्छे से वॉश कर लेना होगा सभी लीची को, और तब इसके बीज को निकाल लें। और फिर सारे बीज जब निकल जाएंगे, आप एक बार चेक कर लें कि बीज छूटा ना हो, क्योंकि इसमें बीज अगर रह जाएगा तो वो तीता हो जाएगा। और फिर इसे अच्छे से मिक्सी में इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बना के इसे जार में डाल के एक बार चला लेते हैं अच्छे से। और इसमें आप पानी नहीं डालेंगे, और पानी नहीं डालेंगे और फिर चीनी भी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आपका अगर लीची अच्छा हो, अगर बिहार का लीची है तो इसमें कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। और मैं इसमें चीनी और पानी ये सब ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको खट्टा लगे, एक बार चेक कर लें, अगर खट्टा लगे तो इसमें चीनी आप डाल सकते हैं या शहद डाल सकते हैं ऊपर से। और आइस क्यूब भी नहीं डालना है इसे, बस आप अच्छे से एक बार चला लेंगे और छान के। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी ऐड करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूस है। अब एक बार निकाल लेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि इतना लीची में कितना जूस निकलेगा। ये करीबन एक ग्लास के करीब निकल जाएगा इतने में। ये उनके लिए अच्छा है जो लीची नहीं खाते हैं, तो फिर आप उनको जूस दे सकते हैं इस तरह से निकाल के। और वैसे भी जूस इसका बहुत अच्छा लगता है, इसका जूस निकालना बहुत आसान है और बहुत आसानी से निकल जाता है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपका लीची सिर्फ अच्छा हो। देखिए कितना जूस निकल गया है, एक ग्लास मेरा आराम से निकला होगा। फ्रेश जूस लीची का तैयार है, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने एक ग्लास दूध लिया है और ये फुल क्रीम है। दूध को अच्छे से पहले बॉईल कर लेते हैं और इसे गाढ़ा करेंगे धीमी आंच पे। ज़्यादा नहीं, एक चम्मच लेना है, और इसे दूध से, ठंडे दूध से घोल लेंगे। अब इसे दूध में डाल देंगे। और इसमें डालेंगे एक चम्मच मिल्क में। एक चम्मच डालेंगे चीनी, क्योंकि मिल्क में डाले हैं इसलिए ये मीठा हो गया होगा, इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालना है। दो तीन मिनट और काढ़ा करेंगे, फिर गैस ऑफ करके इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे पहले। ये छोटी कटोरी से हाफ कटोरी घर का मलाई है। ठंडा हो गया है बिल्कुल, अच्छे से ठंडा कर ले। और ये जूस निकाल के इसे इसमें ऐड कर देंगे।
तरह से लीची का आइसक्रीम बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसका जूस भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी को जूस देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसका जूस बहुत कुछ घर में नहीं निकालता है, इसलिए ये कुछ अलग आइटम भी हो गया। लीची जूस सभी पसंद आते हैं। लीची फल भले कोई खाना नहीं चाहता है, लेकिन जूस आप देंगे तो ज़रूर बच्चे हाफ ग्लास भी पीते हैं, छोटे ग्लास से हाफ ग्लास पीते हैं, एक कप पीते हैं तब भी उनका हो जाएगा। 5-10 लीची आराम से वो खा लिए। अब हम बनाएंगे लीची का फिरनी। इसके लिए मैंने लीची के अच्छे से पल्प को निकाल लिया, बीज को हटा दें और चेक कर लें एक बार कि बीज इसमें छूटा ना हो, और फिर इसे जार में डाल के, बहुत मोटा नहीं, डालेंगे दूध। आपको जितना बनाना हो उस हिसाब से आप दूध डालेंगे, जितने लोगों के लिए बनाना हो। मैं बस 2-3 दिन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मेरे इतना दूध काफ़ी है। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है, तकरीबन 1/2 लीटर दूध को मैं एकदम गाढ़ा कर लेना है। और अब इसमें रखेंगे छोटे कप से 1 कप पानी, और इसमें डालेंगे चीनी। लीची मेरा बहुत मीठा है इसलिए ज़्यादा चीनी इसमें नहीं डालना है। लेकिन दूध के लिए दूध के हिसाब से डाल देंगे, और फिर इसमें डालेंगे, इसे जरा सा खुलने देते हैं। लीची को इसमें डाल के पकाएंगे। इसे 2-4 मिनट के, कम से कम 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, तब तक दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा। पहले से दूध मेरा हल्का गाढ़ा हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं केसर 1 चुटकी। और डालेंगे रोज़ एसेंस 5-6 बूंद, और कुछ ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो। मेरे पास काजू, पिस्ता, सभी को मैंने इस तरह से चॉप कर दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स हो आपके पास इसे चॉप करके रख लें। ये मेरा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, इसे भी उतार के ठंडा कर दिए हैं 5-6 मिनट पका के लीची को, और फिर इसे नॉर्मल होने दें। दोनों जब नॉर्मल हो जाएगा तब इसे फ्रिज में डालेंगे एक साथ। दोनों को ठंडा कर लें अच्छे से, और फिर मिक्स कर दें। अब इसके ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, लुक्स यम ना। अरे तो सोच क्या रहे हैं, देर किस बात की, लीची के मौसम है। लीची लाइए और बनाइए लीची की फिरनी, और फिर टेस्ट करके बताइए। कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए, और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।
बाय।